गूगल पे सर्च करिए रौनक बख्शी प्लस जस्ट डायल, आपको ना कम से कम पिछले 2 साल के टाइम पीरियड में 5 से 6 वीडियोस मिलेंगी जस्ट डायल के ऊपर। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये स्टॉक को मैंने बच्चों की तरह पढ़ते हुए देखा है। और इस कंपनी पे मैं उस टाइम बुलिश था जब पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको खरीदने की बात करी थी। कंपनी ने पूरे 2 साल के टाइम पीरियड में छुटपुट छुटपुट करके अपनी ग्रोथ को वापस री इन्वेंट किया है। और आज की डेट में कंपनी हमारा मल्टी बैगर स्टॉक है पिछले 2 साल के स्टॉक टाइम पीरियड में। आप सिंपल सी बात समझिए, Q1 का रिजल्ट कंपनी का मोर देन 69% की ग्रोथ दिखा रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, मोर देन 38% के नेट प्रॉफिट पे कंपनी काम कर रही है। और ऐसा ट्रांजिशन करने के लिए एक आपके पास दिमाग होना चाहिए कंपनी को री इन्वेंशन के लिए। जहां पे कंपनी ने एक छोटा सा ट्रांजिशन किया है, वहां पे क्या है कि पहले ये एक सर्च वेबसाइट थी जहां पे आप कुछ चीजों के लिए सर्च करते थे, लेकिन आज की डेट में ये कंपनी ट्रांजेक्टिंग वेबसाइट भी बन चुकी है, जहां पे आप इनकी वेबसाइट पे जाके ट्रांजेक्ट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जहां पे कंपनी अब मार्केट प्लेस मॉडल पे आ चुकी है कि आप अपनी एग्जैक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं इनके पोर्टल पे जाके। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे मैंने कंपनी को अपना 3-4 हजार करोड़ की मार्केट कैप पे देखा था, आज कंपनी की मार्केट कैप मोर देन 8,000 करोड़ हो चुकी है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि कंपनी का कैश ऑन बैलेंस शीट है इस टाइम 4,700 करोड़, पिछले साल के कंपैरिजन पे मोर देन 15% की ग्रोथ इनके कैश ऑन बुक्स पे आई है। आप ये सोचिए कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां पे ना ऑपरेटिंग लिवरेज अगर काम पे आ जाए तो स्टॉक रॉकेट की तरह भागता है। कैसे? ये पिछले 10 साल से कंपनी जो है स्ट्रगल कर रही थी, अपना ग्रोथ नहीं दिखा रही थी अपने बिजनेस मॉडल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाथ लगते ही इस कंपनी का रंग रूप चेंज हो गया। ये एक मेजर केस स्टडी हो सकती है लाइफ के अंदर। कैसे? क्योंकि जब जब कंपनी का प्रमोटर चेंज होता है तो कंपनी के पास एक ग्रे एरिया नहीं रहता, इधर इट इज अ वाइट इधर इट इज अ ब्लैक। कैसे? अगर कंपनी का प्रमोटर चेंज होता है और कंपनी में पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लेके आता है तो कंपनी एक ऐसे रैपिड ग्रोथ पे जाएगी जहां पे पिछले 10 साल में भी ऐसी ग्रोथ नहीं दिखाई दी गई। ये चीज हुई है जस्ट डायल के साथ। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है और कैश बर्न ना करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे फोकस करके कंपनी ने ये प्रूव किया है कि जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस आप कैश बर्न पे चलाओ, जो कि बाकी स्टार्टअप स्पेसेस के अंदर कंपनियां चल रही हैं। इस कंपनी के नंबर्स पे आपको ऐसा देखना है कि पिछले 2 साल के टाइम पीरियड में कंपनी ने अपने बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। ये स्टॉक आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे है, और जब कंपनी ऑल टाइम हाई पे होती है और ऐसे नंबर्स की ग्रोथ दिखाती है तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी आज की डेट में अभी तो पहला चैप्टर पे बैठी है ग्रोथ के। थैंक यू।